गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सद्दाम खान फ्रॉम ऑक्सफोर्ड स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट लोसल. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द टेंस. व्हाट इज टेंस? ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेज. आज मैं पूरी डिटेल से आपको बताने जा रहा हूँ कि टेंस कितने होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और टेंस होते क्या हैं एक्चुअल में. ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक चार्ट बनाने जा रहा हूँ टेंस का. इजी वे में आप सीख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से टेंस का चार्ट कैसे बनता है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे. ओके, तो हमारा टॉपिक क्या है? व्हाट इज आवर टॉपिक? टॉपिक है हमारा टेंस. ओके, टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? टेंस को हम हिंदी में कहेंगे काल. ओके, टेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? काल. ओके, हम बात करते हैं कि व्हाट इज टेंस. ओके, टेंस की डेफिनेशन क्या है? तो आप कह सकते हैं, एक शॉर्ट वे में आपको मैं डेफिनेशन बता देता हूं कि टाइम इज टेंस. आप कह सकते हैं कि टाइम इज टेंस. ये एक शॉर्ट डेफिनेशन आप कह सकते हैं टाइम इज टेंस. ओके, तो मैं इसका एक चार्ट बनाने जा रहा हूँ. वो चार्ट आप अच्छे से देखें और इसको एक आप तैयार करेंगे, प्रिपेयर करेंगे इसको, जो आपके बहुत ही बेनिफिशियल होगा. तो देखते हैं हम टेंस कितने होते हैं. ओके, सबसे पहले तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेंस. ओके, टाइप्स कितने हैं तो अपन बात करेंगे तीन. ओके, टेंस कितने हैं? तीन. टाइप्स कितने हैं? थ्री. ओके, तो देखते हैं टेंस कौन कौन से हैं. पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की. कौन से टेंस की? प्रेजेंट टेंस की. ओके, पहला हमारा टेंस है प्रेजेंट टेंस. ओके, प्रेजेंट टेंस. तो बात करते हैं, टेंस तीन होते हैं. पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस. ओके, प्रेजेंट टेंस. और सेकंड जो टेंस है वो कौन सा है? पास्ट टेंस. सेकंड जो टेंस है वो है पास्ट टेंस. ओके, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस. एंड जो थर्ड जो टेंस है हमारा वो कौन सा है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस. एंड थर्ड जो टेंस कौन सा है? फ्यूचर टेंस. कौन सा? फ्यूचर टेंस. ओके, फ्यूचर टेंस. तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. फर्स्ट को आप नंबर दे देते हैं हम इसको. ओके, वन नंबर, और इसको हमने टू नंबर दिया है, और इसको दिया हमने थर्ड नंबर. तो टेंस कितने होते हैं? टेंस तीन होते हैं. ओके, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. ओके, तो ईच टेंसेज हैव फोर टाइप्स. प्रत्येक जो टेंस है वो कितने टाइप्स रखते हैं? फोर टाइप्स. ओके, 4 × 3 आप कह सकते हैं, 4 × 3 = 12. ओके, 4 × आप कह सकते हैं 4 × 3. ओके, मतलब 4 × 3 = 12. ओके, तो 12 आपके इसके टाइप्स हो जाएंगे. ओके, तो अब देखते हैं वो टाइप्स कौन कौन से हैं. प्रेजेंट टेंस में पहला कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट टेंस में पहला कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल. बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की. तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसकी हेल्पिंग होती है डू एंड डज. इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी डू एंड डज. ओके, बात करते हैं इसकी मेन वर्ब की. तो मेन वर्ब की इसमें क्या लगती है? फर्स्ट फॉर्म इसमें लगेगी. और बात करते हैं इसकी एस या ईएस इसमें यूज होगा, है ना. तो प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट कौन सा? प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू एंड डज. और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और एस या ईएस इसका यूज होगा. ओके, इसमें यूज होगा. बात करते हैं पास्ट टेंस में. तो पास्ट टेंस में पहला कौन सा है? पास्ट सिंपल. कौन सा है? पास्ट सिंपल. जैसे प्रेजेंट टेंस में पहला कौन सा था? प्रेजेंट सिंपल. ठीक उसी प्रकार से पास्ट टेंस में कौन सा है? पास्ट सिंपल. कौन सा है? पास्ट सिंपल. ओके, बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की. तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी. जैसे उसमें डू डज लगा था, उसी प्रकार से इसमें क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी. बात करते हैं इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी थी, इसमें मेन वर्ब की लगेगी सेकंड फॉर्म. कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड फॉर्म. तो समझ में आ रही है बात? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, है ना. प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल, पास्ट टेंस में पास्ट सिंपल. ठीक उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस में पहला कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर सिंपल, है ना. फ्यूचर सिंपल. ओके, तो फ्यूचर सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? फ्यूचर सिंपल में हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी सेल एंड विल. सेल एंड विल. ओके, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी लगेगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, है ना. मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी. ये बात समझ में आई? तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस में फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल, पास्ट टेंस में पास्ट सिंपल. ठीक उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस में फ्यूचर सिंपल. अब हम आगे बात करते हैं. आगे है प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? इज, एम एंड आर. और मेन वर्ब की बात करते हैं इसमें, मेन वर्ब की लगेगी इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. समझ आ रही बात? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. ओके,
ठीक उसी प्रकार से पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कौन सा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी आपकी, वॉज एंड वर। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब आगे चलते हैं फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कौन सा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी इसमें, शैल बी एंड विल बी। मैन वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो हमने सिंपल और कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट कर लिए हैं। प्रेजेंट टेंस में पहला प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ओके अब चलते हैं हम आगे, तो इनको रफ कर दूं मैं आगे, रफ करने के बाद में हम आगे चलते हैं ना, पहले रफ कर देता हूं मैं इसको, या इसी में लिखें, चलो इसी में लिखते हैं ना। आगे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैज एंड हैव। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है, कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है ना। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, इधर हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी आपकी, हैड लगेगी, और वही मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे चले, इधर है फ्यूचर परफेक्ट, कौन सा फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, ओके फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी आपकी, शैल हैव एंड विल हैव। मेन वर्ब की फॉर्म थर्ड फॉर्म। तो आप देख सकते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट। अब लास्ट वन देखते हैं, लास्ट वन कौन सा है, लास्ट वन आपका मिलेगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी आपकी, हैज बीन एंड हैव बीन, हैज बीन एंड हैव बीन, और मेन वर्ब की फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी प्लस सिंस एंड फॉर का टाइम। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस एंड फॉर और प्लस टाइम है ना, प्लस टाइम। ओके ठीक उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं हम, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लग जाएगी आपके, हैड बीन, कौन सी हैड बीन, और मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी लगेगी, मेन वर्ब की फॉर्म लगेगी फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ओके एंड प्लस सिंस एंड फॉर और प्लस टाइम। क्लियर, आगे चले, आगे है आपके पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी शैल हैव बीन, कौन सा शैल हैव बीन, और या फिर विल हैव बीन है ना, और मेन वर्ब की फॉर्म लगेगी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस एंड फॉर प्लस टाइम। ये आपका टेंस का चार्ट है ना। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में पहला प्रेजेंट सिंपल जिसकी हेल्पिंग डू एंड डज, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का यूज होगा। ओके फिर है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में पहला है पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब डिड, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ओके फ्यूचर टेंस में पहला है फ्यूचर सिंपल जिसमें हेल्पिंग वर्ब शैल और विल है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर,
फिर आगे बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब है इज, एम एंड आर। मेन वर्ब की फॉर्म लगेगी फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस आईएनजी। और फिर बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जिसकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी इसकी, वाज एंड वर। मेन वर्ब की लगेगी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर आगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब शैल एंड विल, सॉरी शैल एंड विल और प्लस बी यूज कर देना है। आप कह सकते हैं शैल बी एंड विल बी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, फिर आगे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज और हैव। मेन वर्ब की लग जाएगी थर्ड फॉर्म। ठीक उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर फ्यूचर परफेक्ट शैल हैव और विल हैव और मेन वर्ब की क्या लग जाएगी, थर्ड फॉर्म। ओके, फिर आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन एंड हैव बीन। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम का यूज होगा, है ना। उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी हैड बीन। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम। उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन और विल हैव बीन। ओके, मेन वर्ब की लग जाएगी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस सिंस एंड फॉर का यूज और प्लस टाइम का यूज होगा इसमें। ओके, यह है आपके टेंस का चार्ट। ठीक है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करो और टेंस तैयार हो गए, इसका मतलब इंग्लिश का बेस यहीं से निकलता है। इंग्लिश का बेस कंप्लीट आपका यहीं से निकलेगा और यहीं से तैयार करना आपको। ठीक है, तो टेंस आपको आना बहुत ज़रूरी है, बहुत कंपलसरी है। ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूँ और आगे देखते हैं कि टेंस का कोई ट्रिक होगा तैयार करने का, टेंस के चार्ट को कैसे तैयार किया जा सकता है ना, टेंस के जो नेम है वो कैसे याद किए जा सकते हैं, है ना। चलो वो देखते हैं ना। तो बात करते हैं हम लोग आगे, आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि मैंने क्या मिस्टेक की और किस प्रकार से मुझे और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो ये टेंस का चार्ट था और एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप बहुत अच्छे से तैयार कर पाएंगे, है ना। तो देखो, आपको कुछ नेम्स याद करने हैं। क्या याद करने हैं, कुछ नेम्स याद करने हैं, टेंस के नेम याद करने के लिए कुछ नेम याद करने हैं। ठीक है, तो नेम है वो कितने नेम याद करने हैं आपको, फोर नेम याद करने हैं। कितने नेम, फोर नेम। ओके, पहला है, पहला जो नेम है वो है सिंपल। क्या नेम है, सिंपल। ठीक है, मान लो कि आप कह सकते हैं कि चार फ्रेंड्स हैं और चारों फ्रेंड्स के नाम याद रखने हैं और उन फ्रेंड्स के नेम क्या है, पहले का नाम है सिंपल, दूसरे का नाम है कॉन्टिन्यूअस। चार दोस्त हैं, ठीक है, चार फ्रेंड्स हैं और उनके नेम बता रहा हूं मैं आपको, पहले का नाम है सिंपल, दूसरे का नाम है कॉन्टिन्यूअस और तीसरे का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं परफेक्ट। क्या नाम बताने जा रहा हूं, परफेक्ट। ओके, और फोर्थ जो फ्रेंड है आपका उसका नाम मैं बताने जा रहा हूं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझाई बात। तो चार दोस्त हैं, ठीक है, और चारों दोस्तों के नाम मैंने लिख दिए हैं, पहले का नाम है सिंपल, दूसरे का नाम है कॉन्टिन्यूअस और तीसरे का नाम है परफेक्ट और चौथे फ्रेंड का नाम क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये जो चार फ्रेंड आप कह सकते हैं, इन चार फ्रेंड के अगर आपको नाम याद हो गए तो ऐसे मान लो कि आपको सारे टेंसेज के नाम भी याद हो गए। कैसे, आप कह सकते हैं, देखो इधर प्रेजेंट की बात करता हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, प्रेजेंट की। ओके, प्रेजेंट टेंस में इसका नाम ऐड करो, प्रेजेंट टेंस के साथ में नाम ऐड करो किसका, सिंपल का, तो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट सिंपल। क्या बन गया, प्रेजेंट सिंपल। मैंने आपको बताया कि चार फ्रेंड्स हैं, उन चारों फ्रेंड्स के नाम मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चार फ्रेंड्स के नेम है। ठीक है, इन चारों फ्रेंड्स के अगर नाम याद हो गए आपको, नेम याद हो गए, इसका मतलब आपको टेंस के सारे टेंस के जो नेम है उनके नाम भी याद हो गए। कैसे, आप प्रेजेंट टेंस के साथ में सिंपल को ऐड करो तो क्या बन गया, प्रेजेंट सिंपल। ठीक उसी प्रकार से पास्ट के साथ में सिंपल को ऐड करो तो क्या बन जाएगा, पास्ट सिंपल। ठीक उसी प्रकार से आप फ्यूचर के साथ में सिंपल को ऐड करो तो क्या बन जाएगा, फ्यूचर सिंपल। समझ में आई बात, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, हुआ तैयार। ठीक उसी प्रकार से आप बात करते हैं, प्रेजेंट को वापस लिखता हूं मैं, प्रेजेंट को लिख दिया मैंने और कॉन्टिन्यूअस के साथ में ऐड करो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक उसी प्रकार से अपन बात करते हैं पास्ट की फिर से, तो पास्ट के साथ में इसको कॉन्टिन्यूअस को ऐड करें तो क्या बन गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर उसी प्रकार से हम फ्यूचर लिखता हूं, क्या लिखता हूं, फ्यूचर लिखता हूं और कॉन्टिन्यूअस को ऐड करूंगा क्या बन जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक उसी प्रकार से देखो, प्रेजेंट के साथ में मिला दो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट के साथ मिला दो पास्ट सिंपल, फ्यूचर के साथ फ्यूचर सिंपल। ठीक उसी प्रकार से वापस प्रेजेंट सिंपल, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ रही बात, प्रेजेंट देखो, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, है ना। अब ठीक इन्हीं नेम को वापस हम ऐड करते हैं, है ना, जैसे मैं प्रेजेंट को कॉन्टिन्यू, प्रेजेंट को ऐड करवाता हूँ परफेक्ट के साथ क्या बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। पास्ट को ऐड करवाता हूँ परफेक्ट के साथ तो क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर को ऐड करवाता हूँ परफेक्ट के साथ क्या बन जाएगा,
फ्यूचर परफेक्ट है ना। ठीक उसी प्रकार को मैं प्रेजेंट को ऐड करवाता हूँ किसके साथ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ, तो क्या बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उसी प्रकार से मैं पास्ट को ऐड करवाता हूँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो क्या बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक उसी प्रकार से फ्यूचर को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ में ऐड करेंगे, क्या बनेगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आपको जो मेनली जो याद रखना है ना, मोस्टली जो याद रखना है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको एक्चुअल में टेंस के नाम याद रखने में परेशानी आती है, उनके टेंस के नाम याद नहीं रखे जा सकते। तो सबसे मेन जो प्रॉब्लम यही है कि टेंस के नाम याद कैसे रखे, ठीक है। तो आपको टेंस के नाम याद नहीं करने, एक ट्रिक से आपको तैयार करना है। चार दोस्त हैं, उन चारों दोस्तों के नाम मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। आप जैसे अपने फ्रेंड्स के नाम याद रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको अपने फ्रेंड्स के, मैं अलग अलग नेम दे रहा हूँ, वो नेम आपको याद रखने। पहले दोस्त का नाम है, पहले फ्रेंड का नाम है सिंपल, दूसरे दोस्त का नाम है कॉन्टिन्यूस, और आपका जो थर्ड जो दोस्त है उसका नाम है परफेक्ट, और चौथा जो फ्रेंड आपका उसका नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। और इनके साथ में आपको यह लगा देना है प्रेजेंट और प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। इनके साथ आप रिएक्शन करते जाओ, जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट के साथ पास्ट सिंपल, फ्यूचर के साथ फ्यूचर सिंपल, है ना, समझ में आ गई बात। फिर उसके इसके साथ में रिएक्शन करवाओ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, है ना। फिर इसके साथ रिएक्शन करवाओ प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। फिर इसके साथ रिएक्शन करवाओ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इट्स ए गुड ट्रिक फॉर लर्निंग द टेंसेज नेम, एम आई राइट और नॉट, ठीक है। आपको इस प्रकार से तैयार करने हैं। आई थिंक आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी और आपको टेंसेज में इनकी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब आपको तैयार करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से कुछ एक अच्छा ट्रिक के साथ में इनके सेंटेंसेज कैसे बने, सेंटेंसेज क्रिएशन कैसे होती है, ठीक है, सब्जेक्ट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट, किस प्रकार से सेंटेंस क्रिएशन होती है, वो सारी हम बातें करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर गिविंग मी सो मच प्रीशियस टाइम हियर, ओके, आई एम रियली वेरी हैप्पी टू सी यू, ओके डियर।